बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद बिहार में नई सरकार बनाने का गठन लगातार जारी है और आज वो दिन आ गया है जब बिहार में नई सरकार फिर से बनने जा रही है और ये सरकार है एनडीए की सरकार। नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और लगातार सातवीं बार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री की शपथ समारोह है और आज सीएम के तौर पर फिर से नीतीश कुमार लगातार सातवीं बार शपथ लेने जा रहे हैं। तो बिहार के मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही होंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर ये है कि बिहार के डिप्टी सीएम अब बदल गए हैं, यानी कि सुशील कुमार मोदी अब बिहार के उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम नहीं होंगे। डिप्टी सीएम के नाम पर दो नाम सामने आए हैं और ये पहला नाम है तारकिशोर प्रसाद, जो कि कटिहार से ताल्लुक रखते हैं, और दूसरा नाम रेणु देवी, जो कि बेतिया से ताल्लुक रखती हैं। अब इन दोनों का नाम ही बिहार के उप मुख्यमंत्री के तौर पर फाइनल किया जा चुका है और आज शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री के साथ साथ तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी भी बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें, आज शाम 4:30 बजे ही शपथ ग्रहण समारोह है और आज शपथ ग्रहण होने वाला है, लेकिन इससे पूर्व बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि अब वो बिहार के डिप्टी सीएम नहीं। आपको बता दें कि उनका दर्द छलकाया, आप साफ साफ ट्वीट में देख सकते हैं कि सुशील मोदी का दर्द किस तरह छलक रहा है। सुशील मोदी ने ट्वीट करके लिखा है कि भाजपा एवं संघ परिवार ने मुझे 40 वर्षों के राजनीतिक जीवन में इतना दिया, शायद किसी दूसरे को नहीं मिला होगा। आगे भी जो जिम्मेवारी मिलेगी उसका निर्वहन करूंगा। कार्यकर्ता का पद तो कोई नहीं छीन सकता।